नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। गांव दहीड़ से गायब युवक मामले में पुलिस ने अपहरण की धारा जोड़ी है। 9 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं, अपहरण का आरोपी भी भूमिगत है। गांव दहीड़ से संदिग्ध परिस्थिति में गायब युवक व अपहरण के आरोपी युवक के मामले में पुलिस के 9 दिन बाद भी हाथ खाली है। पुलिस की इस लेट लपेटी कार्रवाई को लेकर नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को परिजनों सहित भट्टूकला थाने का घेराव कर रोष व्यक्त किया था, लेकिन अभी तक ना तो गुम हुए युवक का सुराग लगा सकी है पुलिस और ना ही युवक के अपहरणकर्ता के आरोपी को भी कहीं काबू नहीं कर पाई पुलिस। इस मामले में अपहरण की धारा 365 को और जोड़ दिया है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने बताया गांव दहीड़ में युवक की गुमशुदगी के मामले में अपहरण की धारा 365 को जोड़ दिया गया है। इसके लिए 4 अलग अलग टीम बनाकर पुलिस मामले की तह तक जाने में लगी हुई है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि 23 जून की रात को गांव दहीड़ निवासी मोहनलाल को संदीप जाखड़ अपने स्कूल के पास स्थित घर पर ले गया था। इसके बाद मोहनलाल का कोई अता पता नहीं है। ग्रामीणों ने संदीप पर उसके दोस्त के अपहरण का भी आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों ने संदीप जाखड़ पर आरोप लगाया है कि उसने मोहन के खाते से 2,85,000 रुपये भी ट्रांसफर कर लिए हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी गायब युवक का कोई अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पिछले 3-4 दिनों से अपहरण का आरोपी भी भूमिगत हो चुका है, जिससे यह मामला अब और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योगाचार्य डॉक्टर मदन गोपाल आर्य ने अग्रसेन भवन भट्टू मंडी में चल रहे नियमित योग कक्षा में साधकों को कहा कि अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करने से श्वास और रक्त परिसंचलन ठीक रहता है। यह कई गंभीर रोगों के खतरे को कम करने में लाभदायक होता है। उन्होंने कहा कि प्राणायाम को करने की विधि बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सबसे पहले शरीर को एकदम से सीधा रखते हुए किसी भी एक आसन में ध्यानपूर्वक बैठे जाएं। इसके बाद बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर दाएं हाथ के अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें और बाई नासिका से श्वास भरें। अब बाई नासिका बंद करें और दाई नासिका से श्वास छोड़ें। इस क्रिया को अब दूसरी नाक से दोहराएं। इसके लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि अनुलोम विलोम का अभ्यास फेफड़ों व मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इससे अनेक तरह के रोग कम होते हैं। इस अवसर पर नवीन गर्ग, महेंद्र गर्ग, मनोज बिणवाल, बाल सिंह, विजय कुमार शर्मा, सतवीर सिंह, हनुमान सिंगला, संगीता राणी, अंजू आर्य, नीलिमा राणी, रंजनी गर्ग, अनिता, ममता, संतोष, सीमा, मीनू, पूजा सहित अनेक लोग मौजूद थे।